देखिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये पूरी जानकारी सरकार ने बहुत ही संक्षेप में दी हुई है ताकि सबको समझ सके, सब इसका फायदा उठा सके। देखिए मराठी में महाराष्ट्र की योजना है तो, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, देखिए ये मराठी में क्या कागज पत्र लगेंगे, क्या पात्रता अपात्रता, यानी कौन पात्र है और कौन अपात्र है, कौन नहीं भर सकता फॉर्म, तो ध्यान से सुनिए या लिख लीजिए। आप प्रिंट आउट निकालकर गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप मराठी में भी इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट या कागज पत्र लगेंगे ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन अर्ज भरना पड़ेगा वो मालूम है आपको, आधार कार्ड लगेगा, उस महिला को आधार कार्ड लगेगा, महाराष्ट्र का डोमिसाइल प्रमाण पत्र या जन्म दाखला, महाराष्ट्र में जन्म हुआ हो या डोमिसाइल हो वो लगेगा, और उत्पन्न का दाखला लगेगा। 2.5 लाख से ज्यादा साल भर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, 1 साल का उत्पन्न 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये उत्पन्न का दाखला। उत्पन्न दाखला नहीं हो तो राशन कार्ड भी चल सकता है, नई अट है, उत्पन्न का दाखला नहीं हो राशन कार्ड चल सकता है। आपके राष्ट्रीय बैंक में खाता हो उस महिला का, पोस्टर में खाता हुआ तब भी चल सकता है, पोस्टर में खाता हुआ तब भी चल सकता है। रेशन कार्ड होना चाहिए और उस महिला द्वारा साइन किया हुआ या अंगूठा लगा हुआ हमी पत्र कि मुझे ये सब मान्य है। देखिए आपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो, बैंक या पोस्ट में खाता उसकी जेरॉक्स, उत्पन्न का दाखला या राशन कार्ड और डोमिसाइल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, अभी कौन भर सकता है मराठी योजना का लाभार्थी पात्रता, यानी कौन भर सकता है, कोई भी महाराष्ट्र की रहवासी भर सकती है, वो महाराष्ट्र की रहवासी असनी चाहिए। कोई भी महिला 21 से 65 साल, अभी उम्र बदल चुके या 60 साल है नए में 21 से 65 साल की वो महिला भर सकती है, वो ये फॉर्म भर सकती है। पोस्ट में खाता होना चाहिए या राष्ट्रीय बैंक में, राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट में, अभी कौन नहीं भर सकता है ये भी ध्यान से सुने, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। जिसका परिवार का उत्पन्न 2.5 लाख से ज्यादा हो वो महिला नहीं भर सकती है, वो महिला नहीं भर सकती है। जिस परिवार में, महिला के परिवार में कोई इनकम टैक्स देता हो वो महिला भी नहीं भर सकती है, इनकम टैक्स देने वाला नहीं चाहिए। या कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार में नौकरी करता हो, चाहे वो कायम हो या कंट्राक्ट हो, वो भी नहीं भर सकती है। महिला पेंशन लेता हो तो वो भी नहीं भर सकती है, जान मेरे कि पेंशन लेने वाला आदमी हो तो भी वो महिला नहीं भर सकती है। अगर वो महिला दूसरी किसी स्कीम के अंदर 1,500 से ज्यादा पैसा लेती हो सरकार से तो वो भी नहीं भर सकती है, वो महिला किसी अन्य योजना द्वारा 1,500 से ज्यादा पैसा लेती वो भर नहीं सकती है। वो परिवार के पास 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, ट्रैक्टर को छोड़कर कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये 7वें नंबर के वो रद्द की गई अट कि शेयर जमीन कट वो रद्द की गई, वो मत धरो, 7 नंबर का ड्रॉप कर दो वो मत धरो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होना चाहिए। मैंने आपको बताया आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से मराठी में इस मराठी का हिंदी में अनुवाद अंग्रेजी में जो आपकी भाषा को कर सकते हैं। देखिए प्रिंट आउट निकालिए, ये सरकार द्वारा दी गई जानकारी है, मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, कागज पत्र बदलते रहते हैं, सेतु केंद्र जाइए या वो आंगनवाड़ी केंद्र उनसे भर लीजिए फॉर्म। आपके पास कागज पत्र नहीं हो, ऑप्शनल कागज पत्र है वो भी चलेगा, उसको बताइए, 50 रुपए खर्च आएगा। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ये अच्छी जानकारी, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पूरी जानकारी है सरकार द्वारा दी गई है, देखिए शेयर है और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।